हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है सी फॉर स्प्रेडिंग थ्योरी। और इससे पहले हम लोग ने वैगनर थ्योरी देखा था। तो वैगनर थ्योरी में वैगनर ने ये बताया था कि कॉन्टिनेंट क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, और कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करने का जो कारण होता है वो होता है टाइडल फोर्स, जबकि टाइडल फोर्स से संभव बिल्कुल भी नहीं है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर सकते हैं। और ये वैगनर थ्योरी की एक कमी थी। तो फिर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करने का कारण क्या है? तो उसका कारण है कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है? जैसे कि आप मान लीजिए कि पानी गर्म करते हैं, तो जब यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है तो ये ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, ये ऊपर की ओर जाता है गर्म पानी, और यहाँ का जो ठंडा पानी है ये नीचे की ओर आता है, और इस तरह से एक करंट चलता रहता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो सेम इसी तरह का करंट जो होता है वो पृथ्वी के अंदर भी होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट या फिर संवहन धाराएं कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, हम जानते हैं सबसे इसका अंदर जो पार्ट होता है इनर कोर एंड आउटर कोर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके होते रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर में मैग्मा बनते रहता है। और आप जानते हैं कि गर्म चीज़ें जो होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, और वो स्टेबल होने के लिए बाहर की ओर आना चाहती है। तो जब वो स्टेबल होने के लिए ऊपर की ओर आती है, तो ऊपर आने के बाद ये इस तरह से जो मैग्मा है ऊपर की ओर आता है, और ऊपर आने के बाद यहाँ पर लिथोस्फीयर की सतह पर टकराता है, और वहाँ से यहाँ क्या करते हैं, बीच में एक दरार उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे कि जो सतह है ये दो भागों में बढ़ जाती है, और इससे एक क्या होता है, कन्वेंशनल करंट बनता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशनल करंट की थ्योरी है ये आर्थर होम्स ने दी थी। तो आपको पता है कि ओशन के नीचे की जो क्रस्ट होती है वो क्या होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है, इधर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और नीचे लिथोस्फीयर है, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं महासागर है, यहाँ ओशियन है। तो ओशियन के नीचे की जो क्रस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो जब मैग्मा होता है जो वो बाहर निकलेगा, तो सबसे पहले कहाँ की क्रस्ट को तोड़ेगा, ओशियनिक क्रस्ट को, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत ज़्यादा उसकी मोटाई होती है ना, तो इसकी वजह से ये सबसे पहले ओशियनिक क्रस्ट को तोड़ता है। और जैसे ही ये क्रस्ट को तोड़ करके बाहर आएगा, तो लावा क्या होगा, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है ये कितना है, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तुरंत बाहर निकलने पर यह क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर के यहाँ पर जम जाएगा, और इससे क्या होगा, यहाँ पे नए क्रस्ट का निर्माण हो जाएगा। तो जब यहाँ पे एक नए क्रस्ट का निर्माण होगा, तो जो पुराने क्रस्ट थे यहाँ यहाँ के, वो क्या होंगे, साइड में खिसक जाएंगे, पुराने क्रस्ट इधर से चल जाएंगे, और यहाँ पे एक नया क्रस्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से फिर दोबारा जब मैग्मा आएगा तो इस क्रस्ट को फिर से साइड कर देगा, और यहाँ पर एक नया क्रस्ट बनते रहेगा, मतलब यहाँ पर एक नया क्रस्ट का निर्माण जो है वो लगातार होते रहता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सी फॉर स्प्रेडिंग कहते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि इस तरह तो अगर नया क्रस्ट बनता रहा, तो अर्थ सरफेस जो है वो बहुत, अर्थ सरफेस का एरिया जो है बहुत बढ़ जाएगा। पर क्या अर्थ सरफेस का एरिया बढ़ता है? नहीं। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि जितना क्रस्ट का निर्माण यहाँ पर होता है, उतना ही दूसरी जगह पर क्रस्ट है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होते जाता है। और जहाँ पे जो क्रस्ट है डिस्ट्रॉय होता है उसे हम लोग कहते हैं सबडक्टिंग एज, और यहाँ पे जहाँ पे कि नए क्रस्ट बनते हैं उसे हम कहते हैं राइजिंग एज। हम लोगों ने मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज का नाम सुना होगा। तो ये क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ के बीच में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन में एक बीचों बीच क्या हो गया, दरार बन गई है। और दरार क्यों बनी है, क्योंकि मैग्मा जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, वो टेंशनल फोर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि जब ये बाहर आ रहे हैं तो दोनों साइड की जो क्रस्ट है वो क्या हो रहा है, खिसक रहे हैं यहाँ से, ठीक है, दोनों साइड की क्रस्ट जो है खिसक रहे हैं, तो यहाँ पे नया सरफेस का निर्माण हो रहा है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल रिज। तो रिज का मतलब क्या होता है, रिज का मतलब होता है समुद्र के अंदर पहाड़ों का या माउंटेन्स का, पर्वतों का निर्माण, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिज कहते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे टेंशनल फोर्स लग रहा है तो ये स्प्रेड हो रहा है दोनों साइड, तो जब ये बार बार होकर मैग्मा बाहर आएगा और सोलिडिफाई होगा तो यहाँ पे एक नया क्रस्ट बनता रहेगा, और पुराना क्रस्ट जो है वो साइड साइड में थोड़ा सा खिसक जाएगा, और ये इस तरह से यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, और ये अटलांटिक के बीच में है इसलिए इसे कहते हैं मिड अटलांटिक, और ये ओशियन में है, ओशियन में पहाड़ों का निर्माण हो रहा है इसलिए इसे कहते हैं ओशियनिक रिज, ठीक है। तो इस कारण हम इसे कहते हैं मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज। स्प्रेडिंग सेंटर या ओशियनिक रिज ये क्या होता है, जहाँ से मैग्मा जो है वो बार बार बाहर आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्प्रेडिंग सेंटर, क्योंकि यहीं से आपका जो सरफेस है, सतह है, उसका क्या होता है, विस्तार होता है, ठीक है। और सबडक्शन जोन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबडक्शन जोन क्या होता है, सबडक्शन जोन वो एरिया है जहाँ पे कि एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, धंस जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन कहते हैं, ठीक है। यानी कि रिज में जो है वो यहाँ पे आपका न्यू क्रस्ट का निर्माण होता है, और ये जहाँ पे सबडक्शन जोन होता है वहाँ पे आपकी ट्रेंच का निर्माण होता है, और ट्रेंच यानी कि खाई, ठीक है, खाई का निर्माण होता है, और रिज यहाँ पे आपके माउंटेन्स होते हैं। तो यहाँ रिज पे आपका न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, और ट्रेंच पे आपके जितने भी क्रस्ट रहते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, आप देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे आपका सबडक्शन जोन है, ठीक है, क्योंकि ये रिज है, और उसके आगे हमने देखा था यहाँ पे आपका सबडक्शन जोन है जहाँ पे कि ट्रेंच का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है तो एक प्लेट क्या है, वो नीचे की ओर धस जा रही है, ठीक है, और नीचे धंसने वाली प्लेट क्या है, वो फिर अंदर में पिघल जा रहा है, अंदर जाकर के क्या हो रहा है, पिघल जा रहा है, और नीचे जाकर के वो पिघलने लगता है, और वहाँ पे वो जाकर के इस तरह से यहाँ पे अंदर में मैग्मा बन जाता है पिघल करके, ठीक है, और ये मैग्मा बाद में ज्वालामुखी के रूप में यहाँ पर से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ट्रेंच का निर्माण होता है, तो सबडक्शन जोन में आपका ट्रेंच का निर्माण होता है, और आपने सुना होगा कि मारियाना ट्रेंच जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे होता है, और डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, पर एग्ज़ाम में हमें लिखना भी ज़रूरी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या होता है, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय हैरी हेस इन 1960। तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है ये पहली बार 1960 में हैरी हेस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, एंड द टू फंडामेंटल फैक्ट्स दैट लेड टू हिम टू पोस्टुलेट दिस थ्योरी आर, तो जो दो मूलभूत तथ्य हैं जो इस सिद्धांत को मानने के लिए प्रेरित करते हैं वो क्या क्या हैं। पहला, द मिड ओशन रिजेस अकर इन ऑल मेजर ओशन बेसिन्स। तो मिड ओशन रिजेस हैं वो सभी मेजर ओशन बेसिन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। द ओशनिक क्रस्ट हैज़ द थिकनेस ऑफ 6 to 7 किलोमीटर ओनली, वेयर एज द टिपिकल थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 30 to 40 किलोमीटर। तो जो ओशनिक क्रस्ट है उसका थिकनेस केवल 6 से 7 किलोमीटर होता है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी सामान्य मोटाई जो होती है वो 30 से 40 किलोमीटर तक हो सकती है। इसी की वजह से जो मैग्मा है वो ओशियनिक क्रस्ट को तोड़ करके बाहर आता है, ठीक है, इसलिए ओशियन में ही न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैपन्स एट मिड ओशियन रिजेस वेयर न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज जनरेटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड देन प्रोग्रेसिवली ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द रिज। सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मिड ओशियन रिजेस पर होती है, और जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण नई ओशियनिक क्रस्ट या समुद्री परत बनती है, और फिर वो धीरे धीरे रिज से दूर चली जाती है। स्प्रेडिंग ऑफ द सी बेड,
यानी जो समुद्र तल है उसका क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, हैरी हैज सजेस्टेड द थ्योरी दैट द सी फ्लोर मूव्स एंड कैरीज द कॉन्टिनेंट्स विद इट एज इट एक्सपेंड्स फ्रॉम अ सेंट्रल एक्सिस। तो हैरी हैज द्वारा यह विचार प्रस्तावित किया गया कि जब सेंट्रल एक्सिस यानी कि केंद्रीय अक्ष से विस्तार होता है बीच से, तो समुद्री तल क्या होता है, गति करती है, वो इधर उधर खिसकती हैं और साथ में अपने साथ साथ जो महाद्वीप होते हैं उसको भी अपने साथ साथ ले जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया द ग्रेट हीट जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव केमिकल्स इन द मेंटल 100 to 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ सर्फेस सीक्स अ वे आउट एंड कॉजेस कन्वेक्शन करेंट टू इमर्ज इन द मेंटल। तो इस सिद्धांत के अनुसार मेंटल में रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्पन्न गर्मी जो होती है वो बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है और मेंटल में कन्वेक्शन करंट का के निर्माण को जन्म देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल में जो है ये है, ये मेंटल है, इसकी गहराई कितनी है, 100 से 2900 किलोमीटर नीचे है, उसे मेंटल कहते हैं। तो वहाँ पे कन्वेक्शन करंट का निर्माण होता है रेडियो एक्टिव केमिकल्स की वजह से। ठीक है, ओशियनिक रिजेस फॉर्म ऑन द सी फ्लोर वेयर द राइजिंग लिम्स ऑफ दीज करंट्स मीट वाइल्ड ट्रेंचेस फ्रॉम वेयर द फॉलिंग लिम्स मीट। तो जहाँ भी इन धाराओं के राइजिंग लिम्स मिलते हैं सी फ्लोर पर, वहाँ पे ओशियनिक रिजेस बनते हैं और जहाँ भी फेलिंग लिम्स मिलते हैं वहाँ पे ट्रेंच का निर्माण होता है। न्यू मटेरियल इज एडेड टू द ओशन फ्लोर वाइल ओल्डर मटेरियल्स आर पुश्ड अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। तो पुरानी चट्टानों को रिज से दूर ढकेलते हुए समुद्र तल में न्यू मटेरियल ऐड करता है। ठीक है, एज मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स फ्रॉम द मेंटल इट स्प्रेड्स आउट एंड पुशेस ओल्डर रॉक्स टू द साइड्स ऑफ द फिशर अ न्यू ओशन फ्लोर फॉर्म्स अलोंग क्रैक्स इन द ओशन क्रस्ट। तो समुद्र की क्रस्ट में दरारों के पड़ने के कारण नए समुद्र तल का निर्माण होता है और जो पिघली हुई मटेरियल है वो बाहर फैलती है और पुराने चट्टानों को दरार के किनारों पर क्या करती है, ढकेलती है, यानी कि पुराने चट्टान जो हैं वो सबडक्शन जोन में जा कर के वो क्या होते हैं, फिर से वो पिघल जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंटिन्यूज टू एड एडिशनल ओशन फ्लोर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोसेस द्वारा एक नया ओशन फ्लोर क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोसेस द्वारा एक नया ओशन फ्लोर हमेशा या निरंतर जुड़ता चला जाता है। एविडेंस दैट सपोर्ट्स द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तो कुछ साक्ष्य हैं जो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। पहला है एविडेंस फ्रॉम मोल्टन मटेरियल, तो पिघली हुई चट्टानों के द्वारा, पिघली हुई मटेरियल के द्वारा एविडेंस क्या है। पिल्लो शेप्ड रॉक्स, रॉक पिल्लो इंडिकेट दैट मोल्टन मटेरियल इरप्टेड रिपीटेडली फ्रॉम क्रैक्स अलोंग द मिड ओशन रिज एंड कूल्ड रैपिडली। पिल्लो शेप्ड रॉक्स यानी कि तकिए के आकार के जो चट्टानें होती हैं, रॉक पिल्लो जो होते हैं वो दिखाते हैं कि जो मोल्टन मटेरियल है वो बार बार क्या होता है, मिड ओशनिक रिजेस के किनारों से वो हमेशा बार बार क्या दरार से बाहर निकलती हैं और जल्द से जल्द ठंडी हो जाती हैं। जो मोल्टन मटेरियल होता है यानी कि जो लावा होता है वो बाहर निकल के क्या होता है, ठंडा हो जाता है और इसकी वजह से एक पिलो शेप्ड रॉक्स वहाँ पे बनता जाता है। ठीक है, तो ये है आपका एविडेंस पहला। दूसरा एविडेंस है एविडेंस फ्रॉम मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। द ओशन फ्लोर रॉक्स आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटाइजिंग स्ट्रिप्स दैट रिकॉर्ड रिवर्सल्स इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो समुद्र तल को बनाने वाली जो चट्टानें हैं वो चुंबकीय धाराओं का एक पैटर्न स्थित हैं जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रिवर्सल्स का रिकॉर्ड रखती हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो जो लावा है जो पृथ्वी के अंदर से बाहर आ रहा है तो उसमें
साथ में क्या होते हैं, बहुत सारे आयरन के कण होते हैं, ठीक है। तो जब वो अंदर से बाहर निकलता है तो वर्तमान में जो अभी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलोंग अपने आप को क्या करता है, अलाइन करता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से। तो जब हम लोग महासागर का अध्ययन किए तो ये पता चला, तो हम जब हम अध्ययन किए तो हम लोग कहीं जगह पर नॉर्मल पोलरिटी देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे पहले नॉर्थ पोल मिला, कुछ बाद में आप अध्ययन किए तो यहाँ पे आपको साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, इस तरह के अलग अलग हम लोग को पोलरिटी देखने को मिलता है। तो ये पोलरिटी जो है अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है कुछ समय के बाद। तो इस कैसे संभव है, ये तब पॉसिबल है जब वॉल्केनिक इरप्शन जो हुआ होगा वो अलग अलग समय पे हुआ होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे सरफेस पे हम लोग को अलग अलग पोलरिटी देखने को मिलता है कुछ कुछ समय के बाद। और यही हम लोग का है, और यही हम लोग का मैग्नेटिक जो स्ट्रिप्स बनता है, यही हम लोग का एक एविडेंस है सीफ्लोर स्प्रेडिंग का, कि वॉल्केनिक इरप्शन के चलते जो क्रस्ट है वो आगे की ओर क्या हो रहे हैं, नए क्रस्ट बनते जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें पोलरिटी भी अलग अलग देखने को मिल रही है। अब हमारा तीसरा एविडेंस है, एविडेंस फ्रॉम ड्रिलिंग सैंपल्स, ओल्डर रॉक्स आर डिस्कवर्ड फर्दर अवे फ्रॉम द रिज व्हाइल द यंगेस्ट रॉक्स आर फाउंड इन द हार्ट ऑफ द रिज अकॉर्डिंग टू कोर सैंपल्स टेकन फ्रॉम द ओशन फ्लोर। तो जब हम लोग ने ओशन फ्लोर से कुछ कोर सैंपल्स लिए तो वहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि समुद्र तल से जब हम लोग, तो वहाँ पता चलता है कि जो पुरानी चट्टानें हैं, जो ओल्डेस्ट रॉक हैं, वो आपका रिज से दूर में पाई जाती हैं, जबकि आपकी यंगेस्ट जो चट्टानें, जो नई चट्टानें हैं, वो आपकी कहाँ पाई जाती है, रिज के केंद्र में पाई जाती हैं, ठीक है। या क्योंकि रिज में आपका हमेशा नए चट्टानों का निर्माण होता है, रिज में हमेशा आपके नए क्रस्ट का निर्माण होता है, और रिज से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे आपको पुराने जो है चट्टान है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा एविडेंस है वो है सबडक्शन, द प्रोसेस थ्रू विच अ पोर्शन ऑफ द ओशन बॉटम सिंक्स बैक इन टू द मेंटल आफ्टर सिंकिंग बीनीथ अ डीप ओशन ट्रेंच। तो वह प्रक्रिया जिसमें कि समुद्र तल है वो गहरे समुद्र की खाई के नीचे डूब जाता है और फिर मेंटल में वापस आ जाता है, अभी मैंने आपको बताया था सबडक्शन क्या होता है, तो वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एविडेंस है वो है डीप ओशन ट्रेंच, सबडक्शन जोन्स आर वेयर दिस हैपेंस व्हेन द मेराइन क्रस्ट बेंड्स डाउनवर्ड डीप अंडर वाटर कैनियंस फॉर्म। तो ये जो डीप ओशन ट्रेंच है ये सबडक्शन जोन में होता है, तो गहरे पानी के नीचे यहाँ पे क्या होता है, कैनियंस बनती है जहाँ पे कि मैराइन क्रस्ट नीचे की ओर झुकता है, ठीक है, जहाँ पे ऐसी तरह इस तरह से बैंड होता है, हमने देखा था इस तरह से। तो यहाँ पे आपका ट्रेंच बनता है, ठीक है। इन 1960 हैज कैलकुलेटेड दैट साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका हैड बोथ मूव 2500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मिड अटलांटिक रिज ड्यूरिंग एन इंटरवल विच ही थॉट वॉज 250 मिलियन ईयर्स। दिस गिव द रेट ऑफ सेपरेशन एज 10 मिलीमीटर पर ईयर। तो 1960 में जो हेस ने गणना की थी कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जो है वो दोनों एक अंतराल के दौरान मिड अटलांटिक रिज से 2500 किलोमीटर दूर चले गए थे, और उन्होंने सोचा था ये जो समय था, ये जो वर्ष था, वो लगभग 250 मिलियन वर्ष लगा होगा। तो यहाँ पे जो सेपरेशन की जो दर थी वो कितनी थी, 10 मिलीमीटर पर ईयर, यानी कि हर साल 10 मिलीमीटर जो सेपरेशन हुआ होगा, ठीक है। हेस वॉज ऑल्सो एबल टू स्टेट दैट नो मटेरियल ग्रेटर देन अबाउट 100 मिलियन ईयर्स इन एज हैड एवर बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द डीप ओशन और ट्रूली ओशनिक आइलैंड्स। तो हेस ये बताने में भी सक्षम थे कि लगभग 100 मिलियन वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी जो मटेरियल कभी भी गहरे समुद्र या सही मायने में ओशनिक आइलैंड से दर्ज नहीं की गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि डीप ओशन में या फिर ओशनिक आइलैंड पर कोई भी जो चीज़ है
100 मिलियन से ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि जो ऑल्डर क्रस्ट हैं वो आगे जा कर के क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। दीज एविडेंसेस हैव बीन एक्युमुलेटेड टू शो दैट द क्रस्ट इज स्प्रेडिंग अपार्ट अलॉन्ग द रिफ्ट एज दिस रिफ्ट फॉर स्प्रेडिंग अकर्स बेसाल्टिक लावा राइजेस फ्रॉम बीनीथ द रिफ्ट सॉलिडिफाइंग एंड फॉर्मिंग न्यू ओशियनिक क्रस्ट। तो इन एविडेंसेस को यह दिखाने के लिए एक्युमुलेट किया गया है कि दरार के साथ क्या हो रहा है, क्रस्ट जो है वो फैल रही है, और जैसे जैसे यह समुद्री तल फैलता है वैसे वैसे बेसाल्टिक लावा जो है वो दरार से नीचे से क्या होता है ऊपर की ओर उठता है और जम जाता है और न्यू क्रस्ट का, न्यू जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका निर्माण करता है। अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का क्या इम्पैक्ट होता है? द सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन्फ्लुएंसेस सी लेवल एंड कार्बन साइकिल। तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो समुद्र के जल स्तर और कार्बन चक्र को प्रभावित करता है। तो पहला है सी लेवल, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन्फ्लेट्स द रिज, हॉट यंग लिथोस्फीयर इज फॉर्मिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम द रिज एट अ फास्टर रेट एंड मूविंग अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द रिज बिफोर इट कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स सो सी लेवल राइजेस। और स्प्रेडिंग फैलने के साथ रिज का विस्तार होता है और गर्म और नए लिथोस्फीयर का भी तेजी से निर्माण होने के साथ साथ रिज से दूर जाने और ठंडा होने और सिकुड़ने के कारण सी लेवल जो है समुद्र स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और दूसरा है कार्बन साइकिल यानी कार्बन चक्र। फास्टर रेट्स मीन्स मोर वॉल्केनिक एक्टिविटी विच इंजेक्ट्स ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो समुद्र तल के अधिक फैलाव होने के कारण ज्वालामुखी की जो भी घटनाएँ हैं वो क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, और इसके कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये दो इम्पैक्ट होते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग के। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।